क्योंकि ये ऐसा उच्चार पुजारी है, इतना पहुंचा हुआ इंसान है, फिजी के अंदर में बिरमाल पुजारी के सभी तो जानते हैं। बिरमाल पुजारी जो है उनका एक बहुत ही कट्टर चेला ये है मुनेश। मुनेश जहाँ जहाँ पर भी पूजन होती है मंदिरों में, इनके पदार्पण करना, उस मंदिर में भाग लेना, ये हमेशा ये कार्य करते रहे। जहाँ भी पूजा वहाँ पे वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ये पूजा करना जानते हैं। पूजा का जो विधि है, लोग क्यों पूजा करते हैं, ये सभी जानने वाले हैं। आज बड़े खुशी की बात है, यहाँ मंदिर पर पूजन में भाग लेते हुए, नाटक देखते हुए, व नाटक मंडी को एक जोर पहुँचा है सब मुझे। और सुनो, मैं क्या बताती हूँ, आना रस्तू उड़ाने वाला ले के साथ में आपके आगमन हुआ माता जी। ये नहीं मालूम क्यों आप इतना क्रोधित हो और इतना क्रोध करते हुए सभा के अंदर में आपका आगमन होती है। कम्मनी, जब ताश्यानी क्रोधित होता है तो उसे किसी ना किसी का मिलती अवश्य अवश्य देखना हमारे ऊपर हमला नहीं करते। नंदावन पार का वे निकल उड़े आप नंद बने देखने के लिए आपका साथ में जो देव कन्या है इनके साथ में आप नंद बन जाना चाहते हो माता जी। और सुनो, मैं क्या बताती बिना मुड़ा ने कुल वेदागी ना बड़े वीरता के साथ में आप दूसरे बात बतलाते हो। मैं बहुत ही वीरता के साथ में इस सभा के अंदर में पदार्पण की है अवश्य। हम मनी, मैं ये चाहती हूँ
साथ तुम लोग यार कहाँ साया रे तुम लोग कहते हैं कि हमने उसकी क्या लगी मेरा पर नहीं कैसे तुम्हारे भैया किन भैया किन किया किन भैया जनता किन भैया के स्वस्था जनता ना किन भैया जो हमारे रेवी रेवी मेरे उसके गोने यहाँ यहाँ बैठा है बोले जो तुम लोग दिनों बनी है बोले बेहाल है बोले बोले प्लेन में बैठ कर पैदल नहीं चल रहे बोले इसको बोले इतना जुलूम लगे किन भैया जनता एक बिकी रे वह जनता वहाँ जब रे भी हम लोग लड़की पहुँचता उसके उस दिन अच्छा अरे और इस समय कौन मिलते हैं चिन्नी ऑस्ट्रेलिया के राधा मनी यानी कि हमारे बहन है और उसके पुत्र पिंटू ये बहुत ही पहुंचा इंसान था आज उनके पुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और दो जने यहाँ पर बैठे हैं और नाटक को जब देखते हैं उन्हें उस दिन याद होती है जब मास्टर नायर ने नाटक दिखाकर दिखला कर जब अखाड़ा में आते थे उनका जो नटीन है और उनका जो रंग मंद्रावती माँ आप कहते हैं माता जी आप मंद्रावती के नाम से जाना गया है इस सभा केंद्र में आप अपना नामावली को पेश करें अवश्य भैया और सुनो भैया वो मंदाले वो मंद्रावती बोले तुम ऐसा काम बोले करता बोले जो गन्ना काटता और सबके रोटी मारता बोले तुम अच्छा काम नहीं करता बोले बोले नाम अगर बोले नाम अगर तुम्हारा होता टोमी और खाने को मिलता है हड्डी और लोग कौन जी कहते हर कच्ची पोपी कच्ची पोपी कच्ची तुम सर रखना अब हम अपने नंदवन में मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा नटीन दिखाए अवश्य माता हमारे पीछे कुछ राक्षस लगे हुए हैं मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह से नटीन करेंगे तो वो राक्षस हम लोग को पीछा करेंगे तब हम उनका संगार करेंगे आप चिंता मत कर माता ऐसा नथिंग हम करेंगे कि वो लोग देखते ही रह जाएंगे देर मत कर दे कन्या अवश्य माता Oh,
बेटा इनका नसीब। अरे भाई क्या बताओ ये चेहरा देखो भाई। हरो हरी हरो हरी हरो हरी अपने भाई भाई। हाँ यार अब तो नाम पूरा जनता नहीं थी। भी थे यहाँ पे पदारी थे। और अपन भैया एक लड़का की नाच देखे भाई बोले जुलूम नाचे बोले बोले हम नहीं सोच रहा रकम नाची। हाँ ऐसे बोलते हुए उन्होंने नाटक मंडली को माता माई के नाम से 50 जन्म तक होता सवा जन्म दिखता धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना लड़की से इसके प्यार हो गया कोई काम जानो सोते रे वे। अच्छा बोए कोई लड़की से प्यार हो गए। अच्छा सुनो कोई लड़की से प्यार हो गया। अच्छा बोए बैठा है बोली राइट है बोले बस स्टैंड में मिलना राइट। अच्छा बोए बैठा है। अच्छा सच दस के। अच्छा लड़की आई लड़की आए के बोले बातें नहीं करी और कोई बात करके चल दी। बोए बैठे रहिए बोले भाई करे बोए कितना खराब लगा एक शायरी बोली अरे चुम चुम करके आई थी और चुम चुम करके चली गई। बोए बोले नहीं हम नहीं बोलता बोए चुम चुम करके आई थी चुम चुम करके चले गई। बोले मैं बैठा था सेंदूर लेके वो राखी बांध के चली गई। बोलते हुए उन्होंने 50 से नम तक बजा था वो जब जीत था। हमारे मन में आते हैं वीर एक बार श्रीमान मुनेश जी। हाँ आज हमारे मन में जो नृत्य का जो है श्रीमान लिंगम लिंगम उत्सुकन चिकन जो हस्ताक्षरी का पाठ अदा करते हैं इनके नटीन देखकर बहुत ही खुश होते हुए हमारे पास बैठा हाँ मेरे भाई। हाँ हमारे राजा जी की तारीफ के लिए मैं बंद को भेजा। हाँ क्यों नाम से जाकर बदलाए जरूर पूरा काम करेंगे हमारे जरूर बिल्कुल मेरे भाई हमारे
नाम तो सारा पीजी में जानता है कि किस तरह से काम करता है। वो ये बतलाते हैं, मुझे बोलने का बहुत शौक नहीं है, वो हमारा बनाई है तो बताते हैं, वो हमको बोलते हैं कि है बनाई, आज दो दो बनाई के नाच देखे, इतना खुशी हुई के यही भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारा जितने भी कलाकार है सब अच्छी तरह से ऐसे अगर जो नटी निकला है तो भगवान इनको अवश्य मदद करेगा। ऐसे बोलते हुए हमारे हाथ में दो डबल कर गंगामा पूजन में भाग लिए और बहुत ही खुशी से आज हमारे पूजन भी हुए हैं और साथ साथ में मैं नाटक वालों के भी बहुत अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा जो अब तक बहुत ही सुंदर ढंग से अपने कला को पेश कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर आज उस महान सज्जन को मैं याद करूँगा जो हमारे इस भूतपूर्व हमारे जो कमेटी रह चुके हैं और भूतपूर्व हमारे प्रधान है और श्रीमान श्री कृष्णा नायडू जी, वो अपने आज स्वर्गीय जो सुपुत्र राजीव कृष्णा नायडू के जो याद में अपने परिवार जन को सम्मिलित करते हुए आज का जो भोजन की जो प्रबंध की गई है वो अपने स्वर्गीय पुत्र के नाम पे की गई है, तो आज उनको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अपने हृदय से तालियां बजाकर उस महान सज्जन को धन्यवाद दें और साथ साथ में अपने कमिटीजन को भी अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो अपने की बात मैं कर रहा हूँ, इसकी भगवान विष्णु ने सागर मंथन करने के लिए सोच रहे थे, भगवान विष्णु ने सागर मंथन करने के लिए सोच रहे थे कि मैं सागर मंथन किस प्रकार करूं। सिर्फ देवता के द्वारा मंथन तो हो ही नहीं सकता। संत बन में महाराज
हमने कैसे विचित्र से देखा, आगे सुनो महाराज। अंदे नंदमान यार हाथों में महाराज फूलों का हार महाराज, और उनके रूप बिल्कुल मोहिनी रूप की तरह है महाराज। क्यों मेरे भाई हमला सुर सुंदरता के बारे में बताओ, शहरी तगड़ा है, तुम घर जाना चाहिए, लोग जीना चाहिए अपना अपना। महाराज जितना ऋषि मुनि है वो सब अपना जगह छोड़ देना चाहिए, निकालो महाराज। रूप के बात सुनिए महाराज, वो कहीं बोल रूपा महाराज, उनके मुकुट की चमक को चांद तारे भी उनके सामने महाराज। तुम्हारा हाथ बंद रहो, उनका जो रोशनी तुम्हारे हाथ में तो नहीं लग गया महाराज। अगर इस मंदिर का पतिया भी बता दे तो उनके मुकुट की रोशनी पूरा काम करेगा महाराज। और आगे बताओ महाराज, उनके रूप को हम बतान करते करते तो बहुत समय लगाएगा महाराज। कमलासुर और बिंदलासुर, हाँ महाराज, एक बार फिर से जाकर वो नंदवन को चान के आओ, जरूर या वो लड़की वहाँ है या नहीं है, जरूर तब ये कमलासुर अपना रथ आगेगा। हाँ मेरे भाई, हमें राजा का आज्ञा जरूर पालन करना, जरूर पालन करेंगे। तो हम सुना रास्ता सुनते पटंगल निकल को क्या बताऊँ, अगर क्या कल ज्योति है
अगर मैंने अपने आप से हाथ नहीं होता तो मैं आकर रोक नहीं जाता हमारा। जरूर भाई, बिल्कुल जरूर। क्या सुंदर था चेहरा हमारा, क्या सुंदर था साड़ी उसके है, क्या मैं बताऊँ आपको। साथ में वो सहेली भी जो है वो होती, मैं क्या बताऊँ आपसे महाराज। वक्त हमेशा बताऊंगा और आगे क्या देखा। लड़की देख कर तुम्हारा लबज नहीं घूमता है, खतरा लगा है तो। संसार को कह सकते हैं, बतला सकते हैं, आपका कांधे पर रखा हुआ है एक कतरा। अठारह टन का वजन ये तामला सूर लेकर चलता रहता है। अगर समय आ गया है 18 टन का गधा भी काम करेगा उस दिन। जो सेनापति है काफी तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, तुम दाद भी सुन लीजिए भाई, बहुत तगड़ा है। और आगे बताएगा सेनापति आज्ञा दो ये बाणासुर को, ताकि ये बाणासुर ये नंदवन ढूंढ कर आएगा। वो कौन सा कन्या है जो जो हमारा भाई रूड़ा सुर पसंद किया। जरूर जरूर महाराज। थोड़ी देर के लिए तुम सब हमसे दूर रहो, ताकि हम अपना बाबी के खोज में नंदवन जाएंगे। गन्ना में पशु के लिए जाने में कितना देर लगेगा। बहुत दूर, क्यों क्यों गंडा में पड़ूंगा। अगर लड़की अच्छी से ये बाणासुर का नटीन देख ले, बाणासुर पर मोहित हो जाए।
बानासुर अपना बाबी का चेहरा देखना चाहता है। आज बानासुर अपना भाभी का चरणों का प्रणाम करेगा, क्योंकि भाभी हमारा माँ जैसा होता है। ठंडक का मन करना यार भूल नहीं करनी चाहिए। सचमुच हमारा बाबी जिस तरह का हवा चमका देता है उस तरह का सुंदरता भी हो। माता बाबा एकदम निकट आ गया जनाब, एकदम चम चम महक भी लगे। हंदंगादा रिफायन नहीं सबसे सुंदरता देखो किसी में, एक से एक वरदान है महाराज आपके पास में। ऐसा ऐसा वरदान आपने प्राप्त किया है, जान में कितना नक्षत्र ये भी आई है, ये भी माधव अगर हमें पता नहीं चला कौन लड़की है, ये पहाड़ निकालेगा पहाड़ साइड है इनको एकदम। अरे नंद कहाँ है जाना ट्रेन को भाभी आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम्हारा देवर तुम्हारा निकट आ गया है। मंत्री बताओ हमारा भाई कितना चीज लेकर बोल रहा है। बहुत मुश्किल से आया, बहुत जबरदस्त में हमारे पास आया, लेकिन आंख में देखता हूँ डर भी लगे स्वामी। लाल टीका हमारे भाई पैरों के बाद तुम्हारे माथे पर लगाया। ये नन्ना ने फसुन की दिए भाई, भाई तो पसंद किया इन्हें, काफी सुंदर है उनका तो बहुत भारी है भाई से बतला कर इनका साथ शादी ये बानासुर करेगा मामा। हमारा भाई का हाजिया होना चाहिए एकदम। अब बोलो सुनो भाई का बताने वाला बात तुम्हारा समक्ष पेश करता हूँ। मैया हम राजस कभी डरते नहीं है, डरता तो नहीं हम लोग, समझ काया है हदा करो। ये राजस रण चल सर्वे ने गेट दे सर्वे ने सुल्लुआ ये न करिए संसार
तुम्हारे जो कुछ भी इच्छा हो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो आप कहिए, ये बानासुर उसे पूर्ण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हरो हरे हरो हरे। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं हमारे मध्य में इस मंदिर का एक बहुत ही पुराना लाइफ मेंबर यानी मेम्बरान श्रीमान मुनीत मुनीत, कई वर्षों से वो इस मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं। आज उस मंदिर का आंगन पर आकर पूजा देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आज जिस तरह से वो कहते हैं कि पूजन का जिस कार्य जिस प्रकार से संपन्न हुआ, वो पुजारी के बहुत ही बहुत बधाई देते हैं। और यहाँ के कार्यकारिणी सभा जो जिस प्रकार से यहाँ के कार्य को चलाई है उसे भी वो अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जितने भी आम जनता यहाँ धार्मिक प्रेमी गण यहाँ बैठ कर इस मंदिर का शोभा बढ़ाते हैं उन्हें भी वो हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कि कहते हैं संस्कृति, जब मैंने बतला चुका हूँ, धर्म को धारण करने से ही मानव समाज का कल्याण होती है। ये कहते हैं कि हम आते हैं मंदिर ताकि हमारा बात को भली बात से जान जाएगा, हमारा साथ चलेगा। वहाँ एकदम बताओ स्वामी तुम्हें भाभी, ये हमारा भाई बतलाने वाला बात को बतलाता है। हमारे घर में ऐसे किसी स्त्री को देखकर भाभी मत कहो, पहले उसे पहचानिए तब जाकर उसे भाभी कहना। महामंत्र है तो उनसे बतलाओ, वो इस समय हमारा भाई रुरासुर क्या करता है जनता गुंदान है हमारा सही है। वो अपने मौत को ललकार रहा है। तुम्हारा जो गला है अभी खाली पड़ा है, हमारा भाई कहा जब अर्धांगिनी बन जाओगे सोने से तुम्हारा गला लग जाए। वो पुरुष कभी पैदा नहीं हुआ जो ताश्चानी को अर्धांगिनी बना सके। हम राक्षसगण को बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा तो देवी होना चाहते हैं जो डट कर बात करे एकदम। आज भाई में और कोई स्त्री नहीं आ सके एकदम राइट बात अम्मा। आज तुम्हारे भाई को भी पता चल जाएगा कौन स्त्री से वो मुंह लगाए। महामंत्री बोलो उनसे कहो हमारा साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, कल अपना काम करना है, सब हम राक्षसगण करेंगे। अगर है तुम्हारे में दम वो साक्षी को ले जा सके और युद्ध करके ऐसे नहीं साक्षी चला जाएगा किसी के साथ। बोलो स्वामी, भैया तो इससे शादी करना चाहता है, युद्ध नहीं करेगा हम लोग युद्ध नहीं करे, हम लोग मंगनी में आया अभी बात कर ले तुरा सेटिंग करता है, मंगनी में मैं करा दूंगा आज तुम लोग को। हाँ शादी भी करा और हम मर्द स्त्री से नहीं लड़ते, लड़ाई घर पर होते हैं। बड़ा प्रेम से बतलाता हूँ,
ये बानासुर तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा, इज्जत से डरने जाएगा। अगर गालियां दिया तो हम अपना सेनापति बुलाकर तुम्हें अपना रत्न बांध कर घसीट के ये बानासुर पाताल से पृथ्वी लोक कसम चला है। ये बानासुर सेनापति तुम्हारे पास है, सबको बुला ले, अस्ताचानी बता देगी वो कौन स्त्री है। मेरा मौत आ चुका है, सुंदरता है। सोबा सोबा वैसन बात नहीं करो ना भैया, इसका मौत आ चुका है इसलिए इसने लुभा गया है। नहीं अपने बाइक के चमचागिरी करते हैं। वाह स्वामी अंदर कितना दे, 1000 रुपए अंदर।